न्यूज आयन में आपका स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइंस। कल होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को कोतवाली परिसर में ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देवसिंह मैदान में चल रही प्रथम चेयरमैन खीम सिंह सोन फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को लेलू और नैनी गांव की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मुख्य अतिथि विजेंद्र महर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबले की शुरुआत कराई। लेलू की टीम के खिलाड़ियों ने अच्छे तालमेल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 4-2 के अंतर से जीत लिया। हमारी ऑटोक्राफ्ट डिजाइनिंग टीम ने ट्रेडिशनल डिजाइन और नवीनतम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोने, चांदी, नवरत्न और डायमंड के आकर्षक आभूषण तैयार किए हैं। आदर्श तकनीक के साथ हाथ से बने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की विस्तृत वैरायटी और विशाल रेंज एवं राशि के नगीने भी उपलब्ध। आज ही प्रतिष्ठान में आकर गोल्ड व डायमंड की विशाल रेंज देखें। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी 1962 से आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार पिथौरागढ़। 32 वर्षों तक दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले कनाली छिना इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हेमचंद्र पंत का लालकुआं स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थानांतरण पर क्षेत्रवासियों और शिक्षकों ने शनिवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी। प्रभारी प्रधानाचार्य बबीता ग्वाल ने शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने शनिवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 माह का समय बीत चुका है, अभी तक विद्यार्थियों को आधी किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारी बारिश से नेपाल में भी जानमाल का खासा नुकसान हो रहा है। जिले के सिलगढ़ी नगरपालिका 5 के गैड़ा गांव में शनिवार की सुबह एक मकान ध्वस्त हो गया। मकान के मलबे में दबने से 30 वर्षीय गंगा मलाशी पत्नी शंकर मलाशी की मौत हो गई। क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। अस्कोट पुलिस ने चेकिंग के दौरान सुनखोली में SSB पोस्ट के पास कार संख्या UP 25 AH 3062 से 2 लोगों को रजत लुंठी निवासी ग्राम देवल थाना अस्कोट तथा प्रदीप सिंह निवासी दांतूखेड़ा जौलजीबी को 4 पेटी बियर, 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। ग्राम खोली कन्याल में तारा सिंह को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ अस्कोट में मामला पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की प्रभावी भूमिका विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी लक्ष्मण सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में प्रारंभ हुई। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की प्रभावी एवं नेतृत्वकारी भूमिका रही है। जिला स्तरीय सुब्रोतो फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-17 प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट ने KNU को 2 गोल से हराया। बालिका वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज भड़कटिया ने महर्षि विद्या मंदिर को 2 गोल से पराजित किया। फाइनल मुकाबले में भड़कटिया ने कुमडार को 4 गोल से शिकस्त देकर सुब्रोतो कप पर कब्जा किया। पिथौरागढ़ पुलिस का शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान जारी है। कोतवाली डीडीहाट के SI बसंत पंत ने नरेंद्र राम निवासी लोहार गांव, कृष्ण राम निवासी सीटोली को शराब पीकर अपने बच्चों के साथ गाली गलौज कर शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया। मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल 37 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश, क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत एवं परवेज अली के पर्यवेक्षण में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 64 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई हुई। गंगोलीहाट के चामुंडा गेट पोस्ट ऑफिस के पास सड़क पर रखे टायरों से बार बार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति हितेश सिंह खाती से टायरों को हटाने को कहा, बावजूद इसके उसने टायरों को नहीं हटाया। इस पर थानाध्यक्ष गंगोलीहाट SI मंगल सिंह ने उक्त व्यक्ति का पुलिस अधिनियम के तहत 10,000 का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय को भेजा। थानाध्यक्ष गंगोलीहाट SI मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम चिटगल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों, नवयुवकों, बुजुर्गों को सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों का पालन करने, नशे के दुष्परिणामों, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी।
मॉनसून काल में महिलाओं के चट्टान से फिसलकर मौत का शिकार होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को दारमा क्षेत्र में बकरी चराने जंगल में गई 25 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी धन सिंह फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोजबीन की। खाई में पुष्पा देवी का शव पड़ा हुआ मिला। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।